हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय। वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। सो आज के इस वीडियो में मराठी फिल्म इंडस्ट्री को लेके कुछ रीसेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भाईपन भारी देवर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के। इस फिल्म ने अब तक 89.6 करोड़ का बिजनेस किया है ग्लोबली। एंड रिसेंटली मेकर्स ने इस फिल्म के नेट कलेक्शन भी रिवील किया, दैट इज 76.05 करोड़, यानी कि वेट पीछे हो गई एंड ये फिल्म सेकंड स्पॉट पर आ चुकी है। इस फिल्म के ओवरऑल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये सेकंड नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर अभी भी सैराट है। सो अभी सैराट का रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म का हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो भाईपन भारी देवर नाम की मराठी फिल्म महाराष्ट्र के साथ साथ यूएसए में भी रिलीज हुई थी, बट ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की। एंड यही पे मेकर ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर पैन इंडिया लेवल पर ये फिल्म रिलीज होती देन आई एम श्योर कि ये फिल्म सैराट का भी कलेक्शन क्रॉस कर देती। नेक्स्ट बात करते हैं सूबेदार बाप मानुस नाम की फिल्म के बारे में, जहाँ पे सूबेदार 18 अगस्त को आने वाली थी एंड बाप मानुस 25 अगस्त को, एंड ये दोनों फिल्में पोस्टपोन हो चुकी है। ओ माई गॉड टू, गदर टू एंड जेलर का बॉक्स ऑफिस महीने इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये फिल्में अभी रुकने का नाम नहीं ले रही, एंड इसी के कारण अभी मराठी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल चुकी है। सूबेदार और बाप मानुस नाम की दोनों मराठी फिल्में एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स पोस्टपोन हो चुकी है, एंड ये वाली न्यूज आके और भी ऑडियंस को उन्होंने शॉक कर दिया है। अब सूबेदार 18 अगस्त से 25 अगस्त को शिफ्ट हो गए, जहां फिल्म को ड्रीम गर्ल 2 का सामना करना पड़ेगा, उसी के साथ गदर 2, ओ माय गॉड 2, जेलर कहा इतने जल्दी रुकने वाले। अब इन सभी फिल्मों के साथ सूबेदार को एक मराठी फिल्म का भी सामना करना पड़ेगा, जिसका नाम है बापलोग, जिसको नागराज मंजुळे प्रोड्यूस कर रहे हैं। आता मराठीत म्हणलं तर महाराष्ट्रात असून मराठी सिनेमाची इतकी वाईट परिस्थिती आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळी बॉलिवूडचा सिनेमा आला किंवा साऊथचा सिनेमा आला तर जास्त चालला की मराठी चित्रपट पुढे ढकलले जातात, आणि आता ही चित्रपटांची ढकलाढकली एक नाही दोन नाही पण सतत होत आहे, आणि ते पाहून खरं खूप जास्त वाईट वाटत आहे। सो आगे बढते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो अंकुश नाम की अपकमिंग मराठी फिल्म के बारे में। आप पहले तो जो पोस्टर रिलीज किए थे उसे देखे तो मैंने छाती ठोक के कहा था कि यह और कोई नहीं बल्कि अभिनय बेर्डे है, क्योंकि मेकर्स ने बोला था ये अपकमिंग सुपरस्टार है। अब अपकमिंग सुपरस्टार है, मुझे लगा अभिनय बेर्डे ही हो गए, क्योंकि अभिनय बेर्डे अच्छी एक्टिंग कर लेता है, गुड लुकिंग और एक्शन भी कर लेता है, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई ये और कोई नहीं अभिनय बेर्डे ही होगा। भाई जैसे ही फिल्म का और एक पोस्टर रिलीज हुआ बस मेरी सिट्टी बिट्टी वहीं पे गुल हो गई, मैंने अपने आप को अंडरग्राउंड करने का सोच लिया। इस फिल्म का मासी एक्शन बॉलीवुड या फिर साउथ के लेवल का होगा या फिर भोजपुरी का, ये तो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली नागराज मंजुळे की बापलोग नाम की मराठी फिल्म का भी ट्रेलर रिलीज किया गया था, जहाँ पे फिल्म प्रॉमिसिंग तो लग रही है, एक क्लीन हार्टफेल्ट फैमिली ड्रामा हमें देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ पे जिस तरह से ट्रेलर को एडिट किया गया, कट किया गया, वो जरा भी एंगेजिंग नहीं लगा मुझे। ट्रेलर में जितने भी सीन्स दिखाए, सीक्वेंसेस दिखाए, वो अच्छे हैं, बट उन्हें जिस तरह से प्लेस किया है वो मुझे कहीं भी कन्विंसिंग नहीं लगा। तो चलिए आगे बात करते हैं बाबूसाहेब शिंदे की रौंदर फिल्म के बारे में, जिसे थिएटर में रिलीज हुई कई महीने हो चुके हैं एंड अब जाके ये फिल्म अमेजन प्राइम पर भी अवेलेबल है। अब खुशी वाली बात यह कि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, बट दुख की बात यह कि सिर्फ मराठी में अवेलेबल है एंड ना कि हिंदी में, क्योंकि जितना मुझे याद है इस फिल्म के गाने हिंदी में डब हो चुके थे। ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होने वाली थी जो अब नहीं हुई। अब इसका कारण क्या है, ये राज तो मेकर्स के साथ ही चला गया। सो आगे बात करते हैं अपकमिंग मराठी फिल्म के बारे में, जो 1 सितंबर को रिलीज होने वाली है। सो 1 सितंबर को सिर्फ बाप मानुस नहीं बल्कि टेरिटरी नाम की फिल्म भी रिलीज होने वाली। अब बहुत दिनों बाद मराठी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक रियलिस्टिक फॉरेस्ट ड्रामा हमें देखने को मिलने वाला है। एनिमल रिजर्वेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये फिल्म सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि एनिमल्स के सर्वाइवल पर भी उंगली उठाती है। एनिमल्स की लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ये फिल्म जस्टिफाई करने वाली, ऐसा ट्रेलर देख के लग रहा है। एनिमल फॉरेस्ट एंड ह्यूमंस के बारे में जो फिल्म है, इसका ट्रेलर तो मुझे प्रॉमिसिंग लगा, बट आई रियली होप कि ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट करे एंड ये फिल्म अच्छी खासी सक्सेसफुल हो। सो गाइस, मराठी मूवीज को लेकर अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं देन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, एंड मीनवाइल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।